हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री SSN वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको ये चीज़ बताने जा रही हूँ कि अगर आप 9th क्लास की NCERT यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज चलवाना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएगी। जिससे कि आपको क्योंकि 9th जो हमारे DSSB TGT है उसमें हमारे 9th एंड 10th की NCERT से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है कि हमारी जो 6 से 8 तक की जो NCERT चल रही है उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज अपनी 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक को पढ़ाते चलूं, क्योंकि हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है और जिसका सबको बहुत बड़ा खूबिया है तो उस फोबिया को हमें दूर करना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ NCERT 9th क्लास की चालू कर दूँ। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, यकीन मानिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 की NCERT मैंने बहुत जल्दी फिनिश की है, डिटो रीडिंग की, क्योंकि उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ शब्दों के बारे में बताया गया है कि ये शब्द किस लिए होता है, ये शब्द किस लिए होता है, ठीक है। हाँ, 7th क्लास की NCERT में कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझते हुए पढ़ना है, तो वो हम समझते हुए पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और टेलीग्राम के लिंक से ज़रूर जुड़ जाइए, उसमें मैं डेली टारगेट आपको शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने DSSB का टारगेट आपको दे दिया है, 2-3 दिन से आपको टारगेट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं कहीं बाहर थी, तो जिस वजह से मैंने टारगेट नहीं दे पाया था, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कि आप बुक रीडिंग से भाग नहीं सकते हैं, आपको बुक रीडिंग करनी ही पड़ेगी। मैंने भी बहुत सारे बैचेज ज्वाइन किए हैं, इवन TGT PGT सारे, सॉरी PGT नहीं, TGT और 6 to 8, ये सारे मैं बैच पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद जब मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ तब मुझे अपने आप पे भी दुख आता है कि मैंने बैच क्यों लिया था, क्योंकि जो चीज़ बैच में पढ़ाई गई है उससे ब्रॉड यानी उससे विस्तृत चीज़ें हमें बुक्स में दी गई हैं, और बुक्स के ही क्वेश्चन बनते हैं, बुक्स से ही क्वेश्चन बनेंगे। DSSB और जिसने EMRS TGT का एग्ज़ाम दिया है उसे इस बात से वो अच्छी तरह से अवगत होगा कि हमें बुक रीडिंग से भागना नहीं है, बुक रीडिंग हमें करनी पड़ेगी। तो गाइस, ये बुक रीडिंग सीरीज सिर्फ और सिर्फ हमने अपने आप और आप सबके लिए चालू की है, जिससे कि अगर आप एक बार बुक रीडिंग अपने आप से कर लेते हैं तो दूसरी बार अपना ईयरफोन लगा के अपनी ये वीडियो सुन लें, जिससे कि आपको सारा रिविज़न हो जाए, काम करते करते आप वो चीज़ें रिविज़न कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए उस वीडियो का। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।